नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं, और जिस तरीके से पिछले बार जब पहला समन उन्हें जारी किया गया था तब वो ईडी कार्यालय नहीं पहुंच पाए थे, चूँकि उनके वकील जो है यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने अपनी बातों को यहाँ पर रखा था कि उनकी तबीयत जो है वो ख़राब है, तो मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें यहाँ पर दो हफ्ते का उन्होंने यहाँ पर समय जो मांगा था यहाँ पर उसको लेकर के बातें सामने आई थी। मगर आज इरफान अंसारी जो है वो ईडी कार्यालय पहुँचे, और साथ ही साथ साहेबगंज डीसी जो है वो भी यहाँ पर ईडी कार्यालय पहुँच चुके हैं। तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो ईडी कार्यालय की है, जहाँ पर डॉक्टर इरफान अंसारी जामताड़ा विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं और साथ ही साथ साहेबगंज डीसी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो तमाम तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। हम लोग सीधे सुनेंगे जब इरफान अंसारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है, सीधे सुनिए। आने दीजिए ना, दूसरा समय आज के बाद जो है इरफान अंसारी ईडी कार्यालय पहुंचे हैं 11 बजे। इरफान जी ईडी कार्यालय आए क्या? इरफान जी मुझे निकलने दीजिए, इरफान जी मुझे वापस आने दीजिए। जो आरोप है निराधार है, और आप सब जानते हैं कि सामने सामने ऊपर 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 नहीं है, सरकार हमने बनाया है तो सरकार हम क्यों गिराएंगे। तो जो भी आरोप जिसने लगाया है मैं उनसे कहूँगा कि हम लोग नफरत छोड़ो, भारत जोड़ पे विश्वास करते हैं, और जितने नफरत लगाया है हमारे पर जिनको नफरत है मैं उनसे भी कहूँगा अब ये काम छोड़ दीजिए। और जिस तरह की घिनौना आरोप मुझ पर लगाया गया वो तो हाईकोर्ट ने कोर्ट था मेरे साथ, लेकिन आपके साथी विधायक तो आपको मास्टरमाइंड बता रहे हैं। इरफान जी बताइए इस पूरे क्या बता रहे हैं आगे। तो मैंने कहा कि वो राजेंद्र बाबू का बेटा है, लेकिन लगता नहीं है, थोड़ा सा मैं उनको सद्बुद्धि दे उनको मैं कहूँगा, उनसे जूनियर है वो, और लड़ाई उनसे नहीं है, लड़ाई इधर देख के लड़ना है, आपस में क्या लड़ना है। तो आपने यहाँ पर इरफान अंसारी को सुना, जिनका स्पष्ट कहना है कि हम अपनी ही सरकार को गिराने का प्रयास क्यों करेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने अनूप सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि वो जिस तरीके जो भी हमें नापसंद करते हैं वो इस तरीके के खेल ना खेलें, और जो भी सवाल हमसे अंदर पूछे जाएंगे वो तमाम सवालों के जवाब जो है वो हम यहाँ पर देते हुए नज़र आएंगे। तो साहिबगंज डीसी भी अंदर मौजूद है, भले ही उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर कुछ नहीं कहा है, मगर इरफान अंसारी के बयानों से साफ तौर पर पता चल रहा था कि वो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर लेकर के पहुँचे हुए हैं। अब देखना ये है कि आखिर क्या कुछ अंदर पूछताछ होती है, क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है, और कब तक इरफान अंसारी से पूछताछ होती है। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा, नमस्कार।